हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच दूध के दाम को लेकर हलचल मची हुई है। कई खापों और किसान नेताओं ने मिलकर आज यानी कि 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का फैसला किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि आज से कोई भी किसान या पशुपालक सरकारी डेयरी वालों को 100 रुपए से कम दूध नहीं बेचेगा। जी हाँ, ये फैसला नारनौंद में सतरोल खाप ने भी लिया है और आज पहले ही दिन इस फैसले का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल किसानों ने आज कई डेयरी संचालकों को 100 रुपए से कम दूध देने से साफ इनकार कर दिया है, तो वही डेयरी संचालकों ने भी 100 रुपए में दूध खरीदने से मना कर दिया। किसानों का कहना है कि आज हर कंपनियां अपने उत्पादों की एमएसपी खुद तय करती हैं और ऐसे में किसान भी अब दूध 100 रुपए प्रति लीटर से कम नहीं बेचेंगे। फैसला है कि हम गाँव के साथ हैं, जो गाँव वाले कहते हैं कि 100 रुपए किलो दूध देंगे, हम 100 से घट दूध नहीं देंगे विटा प्लांट को, या भी कोई सरकारी संस्था है उस किसी को भी 100 से कम नहीं देंगे। हमारे पास 1 क्विंटल टाइम का दूध आता है और हमने आज उनसे देने से मना कर दिया, इसलिए हम वह अगर 100 रुपए रेट नहीं करते तो हम प्लांट में दूध नहीं देंगे। यह गांव की और खाप पंचायत का फैसला है, ठीक है। हाँ, जो ये दूध विट्टा प्लांट से लेने आए थे मैं उन्हें 100 रुपए से लेने से इनकार कर दिया और मैंने उनको नहीं दिया, मेरे पास रह गया, वो मैं गरीबों में आसपास बांटूं या किसी को भी दूं, लेकिन उनको नहीं दूंगा। किसान परिवार से हूं, जो कि मैं 3-4 भैंसे रखता हूं और लोकल दूध बेचता हूं, जो भी वो 50-60 रुपए के भाव से बिकता है जी। और जो विट्टा डेयरी वाले और ये जो लक्ष्य है अमूल है, इनको हम 100 रुपए किलो दूध देंगे, जो खाप पंचायतों ने फैसला लिया है हम उस पर एग्री हैं और हम भाईचारे का साथ देंगे पूरी अपने तय दिल से। किसानों का कहना है कि केवल सरकारी डेयरी वालों को 100 रुपए में दूध दिया जाएगा, बाकी आम लोगों के लिए दूध के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसानों के इस फैसले के बाद आम लोगों का क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। इनके हिसाब से जो हिसाब चल रहा है उसी हिसाब से जो 55 के भाव है हम 56-57 दे दे हैं और 2-2.5 क्विंटल दूध की रोज की खपत है दुकान पे हमारे। गरीब आदमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, असर पड़ेगा तो प्लांट वालों पर पड़ेगा। विट्टा है, लक्ष्य है, इनकी मनाही है। जमींदार तो खुला दूध देवे हैं हमारे, गरीब भी ले जे हैं, अमीर भी ले जे हैं, जाट भी ले जे हैं, ब्राह्मण 36 जात का बराबर चल रहा है दूध, कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। रूटीन वाइज सही दूध चल रहा है, 2.5-3 क्विंटल दूध रोज की खपत है हमारी दुकान पे। कोई असर नहीं पड़ा जी, वही दूध का रेट है जी, हम उसी भाव का ले रहे हैं जी, किसानों के कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। किसान ने वही रेट दिया जी, हम दूध ले रहे हैं और हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। नारनौंद की आम जनता हो या फिर छोटे बड़े दुकानदार, सभी का यही कहना है कि किसानों ने अपने पुराने रेट पर ही दूध बेचा है। हालांकि किसानों की ओर से पहले से ही ये फैसला लिया गया था कि दूध के रेट सिर्फ सरकारी मिल्क प्लांटों के लिए बढ़ाए गए हैं, इसीलिए किसानों के इस फैसले से फिलहाल आम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिला जुला असर रहा है जी, एकड़ जोकड़ एक दो डेयरी है जिसकी पता नहीं था, उनकी दो आज दूध दिया है डेयरी थी, बाकी दूध है गांव में लग गया और गांव में देने लग रहे हैं, भाईचारा मिल तो मतलब दे रहे हैं। एक है पूरा क्लियर हो जाएगा 2 दिन में, लिंक प्लांट मतलब 100 से कम दे नहीं गए भाईचारा में, मतलब वो रेट दे रहे हर दिन दे रहेंगे। आज तो मतलब 1-2 डेयरी 2-4 डेयरी जिसकी पता नहीं था उनमें दे दिया, बाकी ने नहीं दिया। क्या कहा है डेयरी संचालकों ने? डेयरी वाले ने कह दिया है मतलब हमें दूध नहीं देंगे, गवर्नमेंट वाले ने दूध मतलब डेयरी वाले नहीं दिया तो देंगे क्या। बता दें कि जो किसान 3 महीने से सड़कों पर दिन रात गुजारते हुए सरकार से अपनी फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं, उन्हीं किसानों ने इकट्ठा होकर अपने दूध का एमआरपी खुद तय कर दिया है। किसानों का कहना है कि दूध भी पेट्रोल डीजल से कम रेट पर नहीं बिकेंगे और आने वाले दिनों में ये फैसला पूरे देश का किसान लेगा। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी।